Hello aspirant, this is Bikash. Welcome to Social Hof. In this video, I will share the summary of NCF, National Curriculum Framework 2005, in a precise manner that will help you to crack any TET, teacher eligibility test, in an easy way. So, bina time gawaye, start karte hain aaj ka gyan. NCF se related important question description box mein diye gaye hain. Ye NCF ke upar third video hai. इसके पहले जो दो वीडियोस हैं एनसीएफ के ऊपर, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे एनसीएफ 2005 के बैकग्राउंड के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में. और जो सेकंड वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स, यानी कि आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट था पर्सपेक्टिव्स और सेकंड कंपोनेंट था लर्निंग एंड नॉलेज के ऊपर. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005 का थर्ड कंपोनेंट करिकुलर एरियाज के बारे में. करिकुलर एरियाज यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर 2005 में क्या बोला गया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा, करिकुलर एरियाज में आ जाएंगे लैंग्वेज, आ जाएगा आपका मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वर्क एजुकेशन, फिश एजुकेशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं लैंग्वेज के ऊपर क्या बोला गया है 2005 के एनसीएफ में. इसमें बोला गया है कि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज, इस तरह से जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो कि 1986 में फर्स्ट टाइम दिया गया था वो वाला इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये बोला गया है लैंग्वेज के ऊपर 2005 के एनसीएफ में. एंड एजुकेशन जो भी इम्पार्ट किए जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे बच्चों को, वो क्या होगा, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए. सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है. एंड प्राइमरी लेवल में क्या हुआ है, प्राइमरी मतलब कि वन से लेकर फाइव क्लास तक मदर टंग यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है बच्चों का, वो यूज होना चाहिए. एंड टीचर को क्या होना चाहिए, टीचर को प्रोफिशिएंट होना चाहिए किसमें, बच्चों के मदर टंग के ऊपर टीचर क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए. यानी कि इसमें मतलब कि स्टूडेंट जो जानते हैं, जो मदर टंग यूज कर रहे हैं वो लोग, टीचर को वो सब पता होना चाहिए, ठीक है. एंड जो हम लोगों का कोई भी लैंग्वेज सिखाने का जो प्रोसेस रहता है क्या है, वो चार चीज़ें रहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है. यानी कि अगर कुछ लैंग्वेज हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों को तो हमें क्या करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके ऊपर फोकस करना है. तो ये सब चीज़ें करिकुलम प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए. मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, तो एनसीएफ 2005 में बोला गया है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए बच्चों को, उस जिस एनवायरनमेंट में वो क्या कर पाएँ, मैथमेटिक्स को सीख पाएँ, ठीक है. मतलब कि इसका मतलब यही है कि हमें देखो समझना है यहाँ पर कि 2+2 4 होता है, तो ये चीज़ें हमें सिखाना नहीं है बच्चों को, 2+2 4 होता है, ये चीज़ें नहीं सिखाना है. इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, टीचर का काम क्या है कि एक सिचुएशन प्रोवाइड करेगा, कुछ एक ऐसे एक्टिविटीज़ देगा बच्चों को जिसके तहत, उस एक्टिविटी के मदद से बच्चे खुद से सीख पाए कि 2+2=4 होता है. तो ये वाला उसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट का, मेक फेवरेबल एनवायरनमेंट टू लर्न मैथमेटिक्स, ताकि उनमें क्या हो पाए, बच्चों में क्या हो पाए, उनका इंटरेस्ट एनहांस हो पाए और वो लोग जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाए. यानी कि बच्चों को मोटिवेट करने की बात कहा गया है 2005 के एनसीएफ में, मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो लोग क्या कर पाए, जो रीजनिंग के वर्ल्ड में जा पाए. और उनका जो डर है, जो फियर है उनके बच्चों के अंदर जो फियर रहता है ना मैथमेटिक्स को लेके, वो दूर हो पाए, ठीक है. और क्या बोला गया है, बच्चों का थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर जो है वो भी क्या होना चाहिए, कैसे डेवलप होगा, कैसे वो विजुअलाइज कर पाएंगे किसको, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएँ, फॉर्मुलेट कर पाएँ, फार्मूला तैयार कर पाएँ, फॉर्मुलेट कर पाएँ, कुछ चीज़ें ऐसे बना पाएँ वो खुद से, और जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर पाएँ. बात करेंगे अगर हम साइंस की, तो साइंस में बोला गया है कि
अगर बच्चों का थिंकिंग पावर, उनके उनमें जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, बच्चों में अगर क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप साइंस को क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, सिर्फ रोट लर्निंग कर रहे हैं, रोट लर्निंग, तो क्या होगा ना, साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा कभी। तो 2005 के एनसीएफ में ये बोला गया है कि बच्चों को एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को हम लोग टीचर क्या बताएंगे, वो बताएंगे, वो लोग उनको एक सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो क्या कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके साइंस के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। सोशल साइंस से रिलेटेड एनसीएफ में बोला गया है कि सोशल साइंस क्या करता है, हायर लेवल नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को मदद करता है। एंड सोशल साइंस पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ये कोर सब्जेक्ट में, कोर करिकुलम में इसको इन्वॉल्व किया गया है एनसीएफ 2005 में, क्योंकि सोशल साइंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करता है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, वो डेवलप करता है। सोशल साइंस अगर पढ़ेंगे बच्चे तो उनमें डीप इंसाइट, उनमें एक विज़न क्रिएट होगा। और एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें बोला गया है कि सोशल साइंस शुड बी, इट हैज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रहना चाहिए जब भी पढ़ा रहे हैं हम लोग सोशल साइंस को। अगर हम बात करेंगे आर्ट एजुकेशन की, आर्ट एजुकेशन, तो आर्ट एजुकेशन में बोला गया है कि आर्ट एजुकेशन बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ या फिर उनका जो पर्सनालिटी है उनको डेवलप करने में, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट में आर्ट एजुकेशन का जो प्लेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को छोड़ के एनसीएफ 2005 में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, पीस एजुकेशन के ऊपर और वॉक एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया है। और उसमें बोला गया है कि करिकुलम में, स्कूल एजुकेशन में एक 1 वीक में एक ना एक पीरियड इसके ऊपर भी रहना चाहिए, उसका भी प्रावधान किया गया है एनसीएफ 2005 में, ताकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से क्या हो पाए, बच्चों के अंदर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे वो हो पाएंगे, वो डेवलप हो पाए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो पाए बच्चों में, ताकि वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्कूल में, होम में हो गया, सोसाइटी में हो गया, वो उसको सॉल्व कर पाएंगे। या फिर पीस एजुकेशन के तहत उनमें पेशेंस डेवलप होगा, उनमें एंड्योरेंस, कंसंट्रेशन पावर, कोऑपरेशन डेवलप होगा, ताकि वो क्या कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में, जब भी वो बाहरी दुनिया में जाएंगे स्कूल छोड़ के, वो बहुत ही एक बैलेंस बना के लाइफ को अपना जी पाएंगे। और वर्क एजुकेशन के लिए बोला गया है कि जो वर्क एक्सपीरियंसेस है, मतलब कि स्कूल में कुछ ऐसे पीरियड रहेंगे, कुछ ऐसे टाइम फिक्स रहेगा बच्चों का, जिसमें वो क्या करेंगे, गार्डन का काम हो गया, या फिर लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन कुछ हो गया, क्राफ्ट एजुकेशन हो गया, ठीक है, या फिर जेनरिक एजुकेशन, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में वो कैसे काम कर पाएंगे उसके ऊपर भी एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को। ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरे एस्पिरेंट के साथ शेयर करें, ताकि उनका दुआ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। सोशल हाँ।